नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो आप पेज जो देख रहे हो ये न्यूमेटिक वॉल्स का पेज खुला हुआ है आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमेटिक वॉल लिखा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा कि न्यूमेटिक वॉल क्या होता है, किस तरह से फंक्शन करता है और क्यों हम देते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस को हमारी लगातार देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाना है, बेल की घंटी दबाइए, क्योंकि बेल की घंटी नहीं दबाते हो तो हम वीडियो हर दो घंटे में डालते हैं, आप तक वो वीडियो ही नहीं पहुंच पा रही, तो उसके लिए बेल की घंटी दबाइए ताकि एक भी टॉपिक आपसे ना छूटे। जैसे कहते हैं ना, सुरक्षा चक्र टूट गया तो गड़बड़ हो गया, उसी तरीके से टॉपिक है जो है सारा, एक एक चीज जानना जरूरी है, इसलिए जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बात करते हैं न्यूमेटिक वॉल्स की। न्यूमेटिक वॉल क्या होता है, कैसे, किसी किसी मशीन में न्यूमेटिक वॉल होगा, कहीं एयर ब्लास्ट लिखा होगा, इस तरह से लिखा होता है। उसमें क्या होता है, कई प्रोडक्ट हम ऐसे बनाते हैं जिसमें जो है हम इजेक्टर की जगह एयर इजेक्टर देते हैं। इसको आप समझ लीजिए एक तरीके से एयर इजेक्टर, इजेक्ट कराने के लिए हमको एयर का सहारा लेना पड़ता है, हवा का सहारा लेना पड़ता है, तो एक प्रेशर से हम एयर ब्लास्ट कराते हैं, तो उसी एयर ब्लास्टिंग प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूमेटिक सिस्टम। और उसी को जो है वो एयर किससे निकलती, वाल के द्वारा कराया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूमेटिक वाल्व। तो अब ये है हमारा न्यूमेटिक वाल्व का पेज खुला है, इस स्क्रीन के हिसाब से देखिए 12 पेज नंबर पे था ये न्यूमेटिक वाल्व। अब इसमें क्या है, कुछ चीजें हैं जैसे वाल 1, वाल 2, वाल 3, अलग अलग तरीके से आप मशीन पे देखोगे वाल लगी होंगी, तो अब आपको कौन सा वाल्व जो है एक्टिवेट करना है उस पर्टिकुलर वाल्व पे आप टिक कर दोगे, इस तरीके से टिक मार्क हो जाएगा, तो वो वाल्व आपकी चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। यहां पे अलग अलग सेटिंग है जैसे कि स्टार्ट ऑफ, टॉगल अनलॉक, मोल्ड ओपन स्टॉप, हाइड्रोलिक एजेक्टर फॉरवर्ड पोजीशन, हाइड्रोलिक एजेक्टर बैक पोजीशन, ब्लोइंग टाइम डिपेंडेंट, मोल्ड ओपनिंग कितने एमएम पे, सिलेक्शन, ब्लोइंग टाइम। तो ये सारी चीजें हैं, ये सेटिंग्स आपको समझना पड़ेगा। जैसे स्टार्ट ऑफ टॉगल अनलॉक, जैसे ही आपका टॉगल अनलॉक हो तो ये इसको स्टार्ट करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। मोल्ड ओपन स्टॉप पे करना है तब आप सेट कर सकते हो वहां पे। हाइड्रोलिक एजेक्टर फॉरवर्ड पोजीशन पे सेट करना है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। मोल्ड ओपनिंग कितने एमएम पे देना है वो चीज यहाँ पे आएगा लिख के ऑटोमेटिक जो है आपके उस पे। तो और उसके साथ साथ सिलेक्शन करने के लिए ब्लोइंग टाइम, ब्लोइंग टाइम देने के लिए कितने टाइम तक आप ब्लो कराना चाहते हो, डिले टाइम कितना देर से आप उसको ब्लो कराना चाहते हो, थोड़ा सा रुक के कराना चाहते हो तो डिले टाइम दे दोगे आप। और ये मैनुअल ऑपरेशन के लिए ये सारी सेटिंग इसके आगे आपको फ्रंट पे मिल जा रही। जैसे कि ब्लोइंग टाइम, ये देखिए टाइम जो है सेकंड में लिखा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए अभी वाल तीसरी वाल एक्टिवेट है तो इस पर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के लिए आपका इजेक्टर जो न्यूमेटिक वाल है ये चालू होगी तो इजेक्टर ब्लोअर आपका काम करेगा। उसके साथ साथ डिले टाइमर, यहां पे आप डिले टाइम सेट कर दोगे इस जगह पे तो डिले टाइम एक्टिवेट हो जाएगा। और यहां पे देखिए सारी चीजें जैसे जैसे था, ये सारी चीजें जैसे टॉगल अनलॉक का है तो अगर स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हो यहां पे कर सकते हो, मोल्ड ओपन स्टॉप करना है तो यहां पे कर सकते हो आप। तो इस तरीके से सबका अलग अलग जो है सिस्टम होता है स्टार्ट और ऑफ करने के लिए। ये आपको थोड़ा और डीप में मैनुअल में समझना पड़ेगा आपकी मशीन का मैनुअल क्या कहता है न्यूमेटिक वॉल्व पे। न्यूमेटिक वॉल्व होता क्या ये मैंने आपको बता दिया है, आपको सिंपली जो है आपका जो न्यूमेटिक वॉल्व लगा होगा उसी में जो है आप अपनी एयर ब्लास्टिंग की पाइप को कनेक्ट कर देंगे और वहां से आप इस फंक्शन को एक्टिवेट, यहां से चालू करके अपना एयर ब्लास्टिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है इसमें, इसको समझिए और करिए। कुछ नहीं समझ में आता, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपको आपके डाउट्स को रिसॉल्व करेंगे और उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और साथ में डिटेल में जानने के लिए, और डिटेल में हर चीज़ जानने के लिए हमारा ऐप प्लास्टोटेक डाउनलोड करिए, वहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग का कोर्स है उसको आप एनरोल कर लीजिए, जुड़ जाइए उससे और बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीखने का आपको वहाँ मौका मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके, कोई अगला पेज लेके। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।